गणतंत्र दिवस को लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने और ट्रैक्टर रैली में हिंसा फैलाने के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिद्धू को मंगलवार को पंजाब के करनाल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू के खिलाफ वीडियोग्राफी सबूत उपलब्ध हैं, साथ ही लोगों को भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का मामला है। पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू के सोशल मीडिया की भी पड़ताल करनी है और जांच के मामले में उसे पंजाब और हरियाणा लेकर जाना है। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ, लाल किले पर झंडा फहराया गया और इसके बाद फैले दंगे में दीप सिद्धू सबसे आगे था। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं किसान भारती। 1984 को पंजाब के मुक्तसर में जन्मे दीप सिद्धू ने वकालत की पढ़ाई की और लंबे समय तक सहारा इंडिया परिवार में कानूनी सलाहकार के पद पर रहा। सिद्धू ने कुछ समय तक ब्रिटिश लॉ फर्म हेमंड्स के साथ भी काम किया। दीप पहले से ही मॉडलिंग करता था और वह किंगफिशर का मॉडल हंट अवार्ड भी जीत चुका है। साल 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई और यहीं से दीप का नाम लोगों के बीच सुना गया। साल 2018 में जोरा दास नंबरिया आई और सिद्धू की पहचान युवाओं में भी बन गई। ठीक एक साल बाद जब सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनावों में गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा, तब दीप पूरे प्रचार के दौरान सनी देओल के सहयोगी के रूप में रहा। दीप सिद्धू की सनी देओल और पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हुई थी, जिसके बाद भाजपा सांसद ने पिछले साल दिसंबर में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बाद सिद्धू से दूरी बना ली थी। अभिनेता सनी देओल ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि उनका और उनके परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा के मुताबिक 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से पहले दीप सिद्धू 25 नवंबर 2020 को पहली बार लोगों की नजर में आया था। उसने सोनीपत के पास मुरथल में सुखदेव ढाबे के करीब पुलिस नाके पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उसने खुद को एक किसान नेता के तौर पर पेश किया। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही दीप कई किसान नेताओं के संपर्क में था। 26 जनवरी को दीप अपने उपद्रवी साथियों के साथ वॉलंटियर्स वाली पोशाक पहनकर ट्रैक्टर परेड में शामिल हो गया। उसके बाद लाल किले पर हुई हिंसा में वह नजर आया और तब से दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। हिंसा के बाद फरार सिद्धू ने कहा था कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए हमने निशान साहिब और किसान झंडा लगाया और साथ ही किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया। उसने निशान साहिब की ओर इशारा करते हुए कहा कि झंडा देश की विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। निशान साहिब सिख धर्म का एक प्रतीक है जो सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगा देखा जाता है। उसने आगे कहा कि लाल किले पर ध्वज स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया गया और किसी ने भी देश की एकता और अखंडता पर सवाल नहीं उठाया। नाल पिछले 6-6 महीनों तो थोड़े नाल खड़े या दिन रात एक कीता, कोई एक स्टेटमेंट ही काट के दिखा दो जिथे किसी ने किसी नूं भड़काया होवे। 25 तरीक नूं रात तो लैके 26 तरीक दी हर स्टेटमेंट मेरे कोले पई आ, उदों पहला 6 महीनों दीआं स्टेटमेंट्स पईआं। मैं थोनू करूंगा थोड़े नाल सांझियां, आउण दो टाइम। जिन्हां ने भड़काया वह भी आपां नूं पता लग जू, जिन्हां ने गल्लां सांभियां वह भी पता लग जू। 25 तरीक रात नूं उत्थे जाके स्टेज जिवें इन्हां ने गल्लां कीतीआं ना भी दीप सिद्धू ने बंदे भड़काते, मैं थोड़े नाल वह भी स्पीच सांझी करूंगा, मिल गई आ। 26 तरीक नूं सवेरे 4 बजे जिहड़ी मैं वीडियो बनाई वह भी थोड़े नाल सांझी करूंगा की कह के गया। 26 तरीक नूं किन्ने वजे ते मैं कित्थों चल्लिआ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, 2:30-3 ਵਜੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਇਸਮੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੇ ਉਸਕੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ। ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਲੈਂਸ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰੋਪੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। मंगलवार को शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सिद्धू किसान आंदोलन के दौरान कई नेताओं और कई आंदोलनकारियों के संपर्क में था। कई किसान नेताओं से उसने बातचीत की थी। तकरीबन 15 दिनों से फरार दीप सिद्धू हरियाणा, पंजाब
और हिमाचल प्रदेश में अपने करीबियों के संपर्क में था। उन्हीं लोगों के यहाँ ठिकाने बदल बदल कर रहता था। वह लगातार पुलिस से भागता रहा। पुलिस ने दीप के परिवार के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस ने बिहार के पूर्णिया में रहने वाली उसकी पत्नी का फोन भी सर्विलांस पर लगा दिया था। इससे ही दिल्ली पुलिस को दीप की लोकेशन की जानकारी मिली। दीप सिद्धू करनाल के पास गोल्डन हट ढाबे के पास एक ट्रैक्टर से उतरकर एक एसयूवी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। वह इस कार से ही बिहार के पूर्णिया जाना जाता था। इस दौरान ही स्पेशल सेल ने दीप को पकड़ लिया। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। पंजाब के मोहाली के जीरकपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उनके इलाके जीरकपुर में छापेमारी के दौरान ना तो उनसे कोई मदद मांगी और ना ही उन्हें कोई जानकारी दी। दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें और उनकी टीम को कोई भी सूचना या संकेत नहीं दिए गए थे। उन्होंने कहा कि प्रोसीजर के मुताबिक छापेमारी से पहले पंजाब पुलिस को जो जानकारी दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी गई। एसएचओ के मुताबिक उन्हें यह भी नहीं पता था कि दीप सिद्धू उन्हीं के इलाके में छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी दीप सिद्धू पर एक दर्जन से ज्यादा धाराएं दर्ज की हैं। दीप सिद्धू पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 152, 186, 269, 353, 332, 307, 308, 395, 397, 427, 188, 120B और 34। इसके अलावा आर्म्स एक्ट, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें, दिल्ली पुलिस लाल किले पर हुई हिंसा की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिद्धू से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उसने फरार होने के दौरान अपने ठिकाने कहां कहां बनाए थे, उसकी मदद करने वाला कौन था, आर्थिक मदद किसने की, अगर की तो रकम कितनी मिली, एक से दूसरी जगह जाने में इस्तेमाल की गई गाड़ियां किसकी थीं, वह लाल किला किसके कहने पर आया, क्या अपने आप ही या फिर किसी ने उसे लाल किले पर भेजा था, लाल किले पर हिंसा के दौरान उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, किसकी क्या भूमिका थी, वह वीडियो कैलिफोर्निया भेजता था तो इसके लिए उसने अपने किन किन दोस्तों की मदद ली, किन दोस्तों ने उसके वीडियो कैलिफोर्निया भेजे, क्या वे भी किसान आंदोलन के हिस्सा थे या फिर वे उसके साथ उपद्रव में शामिल थे, उसकी मदद करने वालों का पूरा नेटवर्क क्या है, क्या इस दौरान उसकी किसी विदेशी या अलगाव संगठनों ने भी मदद की, अगर की तो उसका नेटवर्क क्या है, उस नेटवर्क में कौन कौन से संदिग्ध हैं। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की चर्चा सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच भी रही। किसानों का कहना है कि गणतंत्र दिवस वाले दिन जो कुछ हुआ और जिस वजह से किसान आंदोलन की बदनामी हुई उसका असली जिम्मेदार सिद्धू है। किसानों ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो पूरी घटना का सच सामने आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।